इनेलो ने भी आदमपुर के रण में अपने उम्मीदवार को चुन लिया है और वो नाम है कुरुड़ा राम। कुरुड़ा राम जैसे ही इनेलो में शामिल हुए तो विपक्ष को इनेलो को आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया। इनेलो का मजाक उड़ाते हुए हरियाणा के दिग्गज नेताओं ने ये तक कह दिया कि इनके पास क्या खुद की पार्टी से आदमपुर में चुनाव लड़वाने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था क्या। लेकिन अभय चौटाला ने आज हिसार में प्रेस वार्ता के दौरान साफ कर दिया कि उन्होंने कुरुड़ा राम को ही आखिर आदमपुर के दंगल में क्यों उतारा है, क्या है वजह आप भी सुनिए। दीप को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैसे भाजपा की मदद हो इसके लिए जयप्रकाश को खड़ा किया। हमने अपनी पार्टी की तरफ से कल रात को सबने विचार विमर्श करके फैसला लिया कि हमें एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाना चाहिए और हमारी पार्टी तो पहले दिन से किसान की जैसी पार्टी रही है। हमने हमेशा किसान को तवज्जो दी है और इसलिए ये फैसला किया है कि चौधरी कुरुड़ा राम जो है लंबे समय से किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे। जब ये तीन कृषि के काले कानून बने थे उस वक्त इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, 13 महीने उस आंदोलन का हिस्सा बनकर के रहे। उसके बाद इस इलाके में जो पानी की कमी थी सबसे बड़ी आदमपुर हल्के में, पानी के लिए इन्होंने लगातार संघर्ष किया और संघर्ष समिति के ये प्रधान चुने रहे और इन्हीं के संघर्ष की वजह से इन गांवों में आज फिर पानी मिलना शुरू हुआ है। और उसके बाद आदमपुर और नलवा हल्के के जो किसान थे जिनकी फसलें खराब हो गई थी, जिनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, उस आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया था। मैं भी बालसमंद गांव में उस आंदोलन में गया था और मैं जब गया था तो मुझे सब साथियों ने बताया कि चौधरी कुरुड़ा राम ने लगातार इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। हमने सबने रात को बैठ करके विचार विमर्श किया और ये फैसला किया कि हम ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को जो लोगों के साथ जुड़ा रहा हो 24 घंटे, जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया हो, जो लोगों के बीच में रहा, उसी व्यक्ति को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। ये तो रात बना कर गए थे कि जो फैसला आप करोगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन जिसको भी आप टिकट दोगे मैं उसके साथ तन मन धन से रहूंगा। अभय चौटाला ने कहा है कि कुरुड़ा राम ने किसानों के लिए जो संघर्ष किया है उसी को देखते हुए उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अभय चौटाला ने कहा है कि कुरुड़ा राम 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नामांकन भरवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जेपी को टिकट दी है, तो वही इनेलो प्रत्याशी कुरुड़ा राम नंबरदार ने कहा कि कांग्रेस ने आदमपुर के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा है कि पहले कुलदीप आदमपुर से अन्याय करता था और अब कांग्रेस ने उससे भी बदतर काम किया है। कांग्रेस रूम पॉलिटिक्स, बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। कांग्रेस भी जैसे कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से गया, इसी तरह कांग्रेस भी ईडी के डर से इसको बीजेपी वालों ने उतराया। जयप्रकाश जी को कि इसको देखिए बनता है कमजोर कैंडिडेट है और हम बीजेपी वाले जीते। मैं कांग्रेस पार्टी पहले होती थी प्रजातांत्रिक पार्टी, वहाँ विचारों के ऊपर बैठ के मंथन करते थे और प्रजातांत्रिक रूप से हर कार्यकर्ता का जो जहाँ होता था वो देते। आज देश में मैं ये बता दूं बीजेपी भी खत्म होगी कुछ चंद आने वाले अगले इलेक्शन में और कांग्रेस भी खत्म होगी, क्योंकि ये तो एक दो आदमियों की पार्टी है, प्रजातंत्र तो खत्म ही हो चुका है। दोनों पार्टियां खत्म होगी और जो स्थानीय मुद्दों को लेकर चल तो देवलाल जी ने जो हर लोगों के बीच में संघर्ष करते थे और हर लोगों की गरीब की कमेरे की छोटे व्यापारी की मजदूर की किसान की हर बात रखते थे, तो मैं इन बातों से प्रभावित होके कांग्रेस तो साथियों एक डूबता हुआ जहाज है, डूब चुका है और सेती एक चंद दिनों में बीजेपी भी डूबकर। कुरुड़ा राम के माने तो कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो विश्वास लायक नहीं है। वहीं अभय चौटाला का कहना है कि इस चुनाव में मुकाबला भाजपा और इनेलो के बीच होगा। वैसे असली मुकाबला तो अब शुरू होगा क्योंकि आदमपुर के रण में 4 पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कौन इस रण में विजय होता है।
आपको क्या लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर इनेलो में से किसे मिलेगा आदमपुर? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।